नमस्कार दोस्तों, आज आइए मेरे वर्कशॉप पे। अपाचे RTR 4V 200 और ये चली हुई है 54482। दोस्तों इसमें जो प्रॉब्लम है इसमें है पिस्टन की, इसमें इंजन ऑयल ख़त्म होने के कारण पिस्टन का साउंड हो गया था और वाइट स्मोक भी कर रही है फ्रेंड्स। तो दोस्तों इसमें हम इसका हाफ इंजन करेंगे और इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर करूँगा दोस्तों इसमें हमारा कितना खर्चा आता है, मतलब एक्सपेंसिव कितना होता है टोटल, ठीक है दोस्तों। और जो जो पार्ट चेंज करने वाले हैं वो मैं एक बार बता दूँ दोस्तों वीडियो से स्टार्ट होने से पहले ही। ये तो हम चेंज करेंगे सिलेंडर किट और वॉल किट, टाइमिंग चेन, ठीक है। तो दोस्तों इसको खुलवाने से पहले दोस्तों मैं इसका ना आपको साउंड सुनाता हूँ, इसमें जो साउंड बना हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स मैंने इंजन डाउन करवा लिया है चेसी से, क्योंकि डाउन करवाने के कारण था इसमें डबल पिन गिर गई थी लड़के से खुलते हो। और दोस्तों ये है वॉल किट, MRP है 1550 रुपये, ठीक है फ्रेंड्स। और ये है इंजन वाल, फोर वाल, ये क्योंकि 4V 4 वाल होते हैं। तो दोस्तों दो इनलेट के होते हैं, दो होते हैं एग्जॉस्ट के। सबसे पहले हम चेक करेंगे इसकी वॉल गाइड, इसमें प्ले ठीक है दोस्तों, इनलेट में प्ले नहीं होनी चाहिए बिल्कुल, और एग्जॉस्ट में नामात्र सी प्ले होती है, ठीक है दोस्तों। और साथ में ये हम नीचे उंगली लगाएंगे तो इसमें प्रेशर आना चाहिए दोस्तों। इसके वॉल गाइड बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हैं मेरे को, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ये है सिलेंडर किट, MRP है 2320 रुपये। और फ्रेंड्स ये है टाइमिंग चेन, जो इसकी MRP है 460 रुपये, ठीक है फ्रेंड्स। ये TVS की ओरिजिनल टाइमिंग चेन फ्रेंड्स। और ये है वॉल सील, R15 वर्जन 2 और RTR 200 की एक ही वॉल सील होती है दोस्तों। और दोस्तों अब अनबॉक्सिंग करते हैं सिलेंडर किट की। ये दोस्तों सबसे पहले ये पन्नी के अंदर जो पैक है वो है हमारी सिलेंडर किट, और जो पिस्टन है ये सिलेंडर के अंदर ही लगा हुआ है, आप देख रहे हो, ठीक है फ्रेंड्स। और देखते हैं दोस्तों क्या निकलता है इसमें। और दोस्तों ये है हमारी हेड ऑफिंग किट, हेड और सिलेंडर की गैसकिट, और ये है पिस्टन पिन का लॉक। और दोस्तों सबसे पहले हम कर लेते हैं वाल ग्राइंड, क्योंकि इसी जो वाल गाइड ठीक थी तो इसमें हम जो वाल की सीट बनाएंगे वो खुद अपनी ही वर्कशॉप पे बनाएंगे दोस्तों। ये एक चीज़ का ध्यान रखें दोस्तों, जब भी आप वाल ग्राइंड करें जो वाल झांका है वहीं पर ही रख के इसको फिट करना है, ठीक है फ्रेंड्स। एक दूसरे में चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारे जो प्रेशर लीक होने का चांस रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। और दोस्तों जो वाल एमरी मैं यूज़ करता हूँ ये है वाल एमरी, मीडियम साइज़ की होती है। और दोस्तों हेड मैंने वॉश कर लिया है, अब इसको करेंगे हम फिट। ये पूरे पार्ट्स हमारे बिल्कुल क्लीन है, ठीक है फ्रेंड्स। ये दिखाता हूँ मैं आपको अंदर जो एग्जॉस्ट के यहाँ पे बिल्कुल साफ़ है, इसका फेस बिल्कुल क्लीन, अंदर से बिल्कुल साफ़ सुथरा करना दोस्तों। और सबसे पहले लगाएंगे वॉल स्प्रिंग की सीट, ये दूसरी साइड की दोस्तों। और दोस्तों ये है वॉल सील, R15 और RTR 200 की एक ही होती हैं। तो फ्रेंड्स आपको अगर RTR 200 की मिलती हैं तो बेझिझक होके इसको यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। और सेम दोस्तों अपोजिट साइड करना है, वॉल स्प्रिंग की सीट और ये है हमारी वॉल सील, ठीक है फ्रेंड्स। हमारे पार्ट्स दोस्तों बिल्कुल क्लीन होने चाहिए, तभी हमारे इंजन की लाइफ मिल पाएगी दोस्तों। और वाल फिट करने से पहले इसको हल्का ऑयल में डिप कर लें। सबसे पहले जो हमने वाल जहाँ के ग्राइंड किए हैं वो वहीं पे फिट होने चाहिए दोस्तों, ठीक है फ्रेंड्स। और ऑयल लगा के हमने वाल चारों फिट कर दिया दोस्तों। अब लगाएंगे इसके स्प्रिंग वॉल, और दोस्तों ये है वॉल स्प्रिंग के ऊपर इसकी सीट, और दोस्तों ये है वॉल की। दोस्तों इसका पुलर भी होता है, पर जिसमें सिंगल स्प्रिंग है और अंगूठे से दबाने की जगह होती है उसमें हम अंगूठों की मदद से ही ईजिली स्प्रिंग के सीट इसको लॉक कर सकते हैं फ्रेंड्स। और दोस्तों इसमें जगह भी है, और मैं देखूंगा इसमें नीचे एक अपने गोटी लगानी है जिस स्प्रिंग को लॉक करना है उसके नीचे वॉल के नीचे लगा के, और दोनों अंगूठों की मदद से फ्रेंड्स इसको नीचे प्रेस करेंगे तो हमारी जो वॉल के स्प्रिंग की जो की है ये लॉक हो जाएगी फ्रेंड्स। ये देखो ये नीचे गोटी थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो सेम ही प्रोसीजर हमने अगले वॉल में करना है, ये वॉल स्प्रिंग, ठीक है फ्रेंड्स। इसको आप कैसे भी डाल सकते हो,
दोस्तों ये है इसकी सीट और लॉक अंदर डले हुए हैं। अब सेम प्रोसीजर हमने नीचे गोटी लगा के इसको दोनों हाथों की अंगूठों से नीचे प्रेस करेंगे। ये देखो दोस्तों ये इजीली इंस्टॉल हो गया। ये देखो फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, और सेम प्रोसीजर अपोजिट साइड। ठीक है दोस्तों, ये हमारे बिल्कुल जो वॉल हैं वो फिट हो गए हैं। आप इसको हल्की चोट मार के चेक करेंगे कोई की लूज तो नहीं है फ्रेंड्स। और दोस्तों ये है कैम सफट और ये डी कॉम। ठीक है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल ठीक है। और जो इसका छेद वाले हिस्से हैं दोस्तों, ये टॉप पे रख के हम कैम सफट को फिट करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, ये हमने टॉप पे रखना है जो होल वाला हिस्सा। ठीक है, अब ये हमने पकड़ना है और इसको अंदर हल्के हाथ से डाल देंगे फ्रेंड्स। हल्के की चोट मारेंगे इस पर किसी गोटी से चारों साइड में। ये हमारी इजीली इंस्टॉल होगी दोस्तों कैम सफट। आप लगाएंगे दोस्तों इसको सीधा करके रोकर दोस्तों। ये देखो EX लिखा होता है, ये EX मतलब एग्जॉस्ट की साइड हमने फिट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, और बाहर निकालो उस टाइम हमने ध्यान देना है, इसमें हमने ना निकालते वक्त मतलब हम जिस टाइम खोलते हैं तो उसमें पिन जरूर लगाते हैं, तो इसके जो बैरिंग के रोलर हैं ये गिर गए तो हमारे बैरिंग चेंज करने पड़ जाएंगे रोकर के। ठीक है फ्रेंड्स, और सेम दोस्तों ये इसमें IN लिखा हुआ है, मतलब ये इनलेट की तरफ लगेगा फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, और इसमें भी बैरिंग है, ये बैरिंग अगर रोलर निकल गए तो हमें ये रोकर के बैरिंग चेंज करने होंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ग्रीस लगा लेंगे पिन पे, और इसमें अच्छी तरह अंदर ग्रीस घुस जाए इसलिए डाल देंगे फ्रेंड्स। अब इंस्टॉल करेंगे दोस्तों रोकर। इसको सबसे पहले हम जो रोकर एडजस्टर हैं इसको ढीले कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये जो खाँचा है इस खाँचे को बोल्ट की साइड में रख के हम इसको आराम से नीचे प्रेस करेंगे अंगूठे की मदद से। ये नीचे हो गया दोस्तों, ये इंस्टॉल हो गया दोस्तों। अब ये सेम प्रोसीजर दूसरे रोकर में फ्रेंड्स, ये जो खाँचा हमारा रोकर पिन में इस बोल्ट के साइड रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये पहले उसको हम जो रोकर एडजस्टर है इसको डिले कर लेंगे, क्योंकि हमने नए वॉल चेंज हुए हैं तो इसलिए डिले करने पड़ेंगे। इसको इजीली इंस्टॉल हो जाएंगे दोस्तों ये, और अंगूठे की मदद से ये इसमें प्रेस कर देंगे। ये हमारे रोकर असेंबल हो गए फ्रेंड्स। ये दिखाएंगे इसको, ये देखो फ्रेंड्स बिल्कुल इजीली इंस्टॉल होगी रोकर पिन हमारी। अब पेचकस से हमारा इसका जो खाँचा है वो मैच कर लेंगे। अब इसके लगाएंगे दोस्तों बोल्ट, चार बोल्ट होते हैं, दो छोटे दो बड़े। ठीक है फ्रेंड्स, और दोस्तों अब हमारा हेड रेडी है। और अब लगाएंगे दोस्तों इसमें कैम सपोर्ट की ये पत्ती, स्टॉपर पत्ती, और इसका स्क्रू। ठीक है फ्रेंड्स, ये चार मुंह के स्क्रू ड्राइवर से टाइट करेंगे। और दोस्तों ये है हमारी डबल पिन, क्योंकि हम लगाएंगे अब सिलेंडर किट। तो सबसे पहले हम लाएंगे ये इसकी सिलेंडर की गैस्केट। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स अब ये जो हमारा मार्क है या निशान है ये एग्जॉस्ट को रखते हुए हमें पिस्टन को फिट करेंगे। तो दोस्तों पिस्टन रिंग कैसे इंस्टॉल करते हैं उसका लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगा, वहाँ जाके आप पूरा वीडियो देख सकते हो पिस्टन रिंग कैसे इंस्टॉल करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और दोस्तों ये जो टॉप रिंग है ये रखना है एग्जॉस्ट की साइड, और टॉप टू रखना है इनलेट की साइड। ठीक है फ्रेंड्स, और जो हमारे रेल रिंग है वो 45 डिग्रीज एग्जॉस्ट की साइड। ठीक है दोस्तों, बाकी आप वीडियो देख सकते हो। अब लगाएंगे पिस्टन पिन, एक साइड में इसमें लॉक लगा हुआ है दोस्तों, तो उससे पहले हम इसमें लगा लेंगे कपड़ा, क्योंकि हमारा लॉक कभी चैम्बर में न गिर जाए। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम ये लॉक लगा दिया, इसको घुमा के चेक करेंगे दोस्तों, ये बिल्कुल फिट हो गया दोस्तों। और दोस्तों इस पर अब लगाएंगे थोड़ा हाँ इंजन ऑयल पिस्टन पे। ठीक है फ्रेंड्स, और दोस्तों अब करेंगे पिस्टन इंस्टॉल। राइट हैंड की दो उंगली पिस्टन के नीचे रख के लेफ्ट हैंड के हाथ से हिलाते हुए सिलेंडर को नीचे प्रेस करेंगे, और ये इजीली इंस्टॉल हो जाएगा पिस्टन के अंदर सिलेंडर। और बिल ऊपर से हाथ मारेंगे, ये सिलेंडर हमारा बैठ गया फ्रेंड्स। अब क्रैंकशाफ्ट को रोटेट करके
ऊपर पिस्टन को टॉप पे ले आएंगे। ठीक है दोस्तों, अभी बिल्कुल कपड़े से बिल्कुल साफ़ कर लेंगे फ्रेंड्स इसको, फेस को। और दोस्तों एक डाउल पिन लगी हुई है, ये दूसरी लगेगी यहाँ पर, ये प्रेस कर दी दोस्तों। और दोस्तों अब लगाएंगे इसमें हम सबसे पहले टाइमिंग चेन। ठीक है फ्रेंड्स, जो टाइमिंग चेन जो हमारा गाइड लगाएंगे तो बाद में इंस्टॉल होने में हमें प्रॉब्लम होगी। और ये दोस्तों टाइमिंग गाइड, ये करेंगे इंस्टॉल, इसमें यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा नीचे की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, और दोस्तों अब ये है अपनी हेड की गैस्केट, ये एक हाथ से टाइमिंग चेन को पकड़ के और ये हेड की हमने गैस्केट लगा दी फ्रेंड्स। और दोस्तों ये है टाइमिंग गाइड टेंसनर अपोजिट से, जिसमें हमें टाइट करता है टाइमिंग चेन को, इसका बोल्ट लगाएंगे। इसमें एल्युमिनियम के वाशर देख के जब हमको इसको 12 नंबर की टी गोटी से टाइट कर दें दोस्तों, और साथ में रिंग स्पेनर से। अब इसको एमरी पेपर से अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये मतलब हमारा बिल्कुल हेड क्लीन है, काम हमेशा सफाई से करना फ्रेंड्स। अब इंस्टॉल करेंगे दोस्तों इसका हेड, राइट हैंड की एक उंगली से टाइमिंग चेन रखते हुए और लेफ्ट हैंड के हाथ से हम हेड को नीचे की तरफ इंस्टॉल करेंगे। दोस्तों आप टाइमिंग चेन पर कपड़ा भी बांध सकते हो, क्योंकि मेरे साथ में एक लड़का है वो मेरी हेल्प कर रहा है, इसलिए मेरे को जरूरत नहीं महसूस हुई कपड़ा बांधने की। अब ये धीरे धीरे हम हेड सिलेंडर के अंदर सेट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और दोस्तों अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं हर वीक अपने चैनल पर डालता रहता हूं फ्रेंड्स। ये हेड इंस्टॉल हो गया दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये जो टाइमिंग चेन हमने ऊपर कोई गोटी की मदद से अटका देनी है। और दोस्तों ये हैं सिलेंडर के स्टड, ये लगाएंगे। इसमें कॉपर की वाशर ज़रूर होनी चाहिए फ्रेंड्स चारों में। ठीक है फ्रेंड्स, एक यहाँ पर लगेगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम करेंगे टाइट 12 नंबर की टी गोटी की मदद से। और दोस्तों हेड के बोल्ट जब भी टाइट करो आप, ये आपने क्रॉस में टाइट करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, और हेड गैस्केट पर कभी भी दोस्तों थ्री बोल्ट यूज़ ना करें। अब हम गोटी हैंडल से उसको अच्छी तरह से टाइट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और दोस्तों आपको वीडियो हमारी कैसी लग रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों अब ये जो सिलेंडर के साइड वाले 10 नंबर के नट होते हैं, इनको हम टाइट करेंगे। ये चार नट होते हैं, दो हेड के और दो होते हैं नीचे सिलेंडर के साइड, इसको अच्छी तरह टाइट कर देंगे फ्रेंड्स। ये हमारा हेड इंस्टॉल हुआ। और दोस्तों अब मिलाते हैं हम वॉल टाइमिंग, जो ये निशाना टी के साथ में जो लाइन है पिस्टन को टॉप वे करके, और जो चैम्बर का निशान है इसे सामने कर लेंगे फ्रेंड्स। ये देखो ये जो लाइन है, और अब दोस्तों ऊपर सबसे पहले कैम साफट में जो ये लगती है वो सर, ये सिम बोलते हैं इसको मोटी। और अब इसमें जो स्पॉकेट हमारी टाइमिंग स्पॉकेट है, इस पर एक लाइन है, उसको हेड के फेस में मैच करके हम टाइमिंग स्पॉकेट इंस्टॉल करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये पिन पेच की मदद से ये हमारी इजीली इंस्टॉल हो जाएगी फ्रेंड्स। ये देखो दोबारा एक बार चेक कर लेते हैं, ये देखो ये टी के जो साल लाइन है चैम्बर के निशान से मैच होनी चाहिए, और ऊपर में जो मैच होनी चाहिए टाइमिंग स्पॉकेट हेड के फेस पर। ठीक है फ्रेंड्स, और दोस्तों ये है इसका बोल्ट। और दोस्तों इसमें है उल्टी चूड़ी, ये हमेशा ध्यान दें, खोलते वक्त भी ध्यान दें। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी उल्टी चूड़ी है, इसमें इसको हम उल्टे करेंगे तब ये हमारी टाइट होगी। ठीक है फ्रेंड्स, और दोस्तों अब मैं इसमें न्यूमेटिक मशीन से इसको टाइट कर दूंगा। और दोस्तों अब करते हैं हम टैपेट सेट, टैपेट सेट करते हुए हमेशा ध्यान दें इसमें थोड़ी थोड़ी प्ले होनी चाहिए फ्रेंड्स, इनलेट और एग्जॉस्ट में दोनों में। ठीक है फ्रेंड्स,
और दोस्तों अब इसमें हम इंजन ऑयल डाल लेंगे। इंजन तकरीबन हमारा रेडी है फ्रेंड्स। और दोस्तों अब जो ये हेड की गैसकेट है, क्योंकि ये गैस रबड़ की गैसकेट मेरे को नहीं मिली, इसलिए मैं इस पर थ्री बॉन्ड लगा के पेस्टिंग करके इसका हेड का जो टॉप कवर है वो इंस्टॉल करेंगे। इसके चार बोल्ट हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसको टाइट करेंगे क्रॉस में भी। और दोस्तों अब हमने गाड़ी कर दी स्टार्ट इंजन ऑयल डाल के। यहाँ देखो दोस्तों, हेड में हमारा ऑयल का ये जो सर्कुलेशन है ये जो चेक करना है दोस्तों, ये बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। दोस्तों इसकी आवाज़ सुनाता हूँ आपको मैं। बाइक ओके हमारी। और दोस्तों अब इसके बाद लगाएंगे हम टेंशनर, टाइमिंग चेन टेंशनर। इसको पिन पे से अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे और इसकी गैसकेट चेंज करके इसके दो बोल्ट होते हैं ये करेंगे हम इंस्टॉल, ठीक है फ्रेंड्स। उसको 8 नंबर की टी गोटी की मदद से इसको दोनों बोल्टों को टाइट करेंगे फ्रेंड्स, और बाद में पिन पेचकस कर इसको खोल देंगे वापसी। उसके बाद ये रबड़ छोटी वाली ये हमने इसको लगाना है पिन पेचकस से दबा के, ठीक है फ्रेंड्स। दोस्तों ये है हमारा सेंसर यूनिट, ये हमने पुराने सिलेंडर से खोल के नए सिलेंडर किट पे इंस्टॉल करना है। इसको अच्छी तरह से टाइट करेंगे फ्रेंड्स, ये हमारा टाइट हो गया दोस्तों। और दोस्तों ये है वन वे क्लच की बड़ा गियर, ये लेफ्ट हैंड से घुमाते हुए इसमें लगा के और हमारा मैग्नेट इंस्टॉल करना है दोस्तों। ये हमारा मैग्नेट इंस्टॉल हो गया दोस्तों, अब इसका लगाएंगे नट। और दोस्तों ये है पत्ती हमारे सेल्फ की छोटी गियर की, ये नीचे लगाएंगे एक अंगूठे से दबा के, और ये सेल्फ की गिरारी आराम से हिलाते हुए बिठानी है फ्रेंड्स। ये हमारे दोस्तों पत्ती ना खिसक जाए दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखना। हमारे दोस्तों इंस्टॉल होगी ये इसका बूस्ट दोस्तों, ठीक है फ्रेंड्स। मैं इसको करता हूँ दोस्तों स्टार्ट मैग्नेट कोड लगा के। सो फ्रेंड वीडियो के लास्ट में बताता हूँ इस बाइक में हमारा कितना एक्सपेंस मतलब खर्चा कितना हुआ। दोस्तों इसमें लगे हैं 6000 रुपये के अराउंड, 6000 के अराउंड, ठीक है फ्रेंड्स। और दोस्तों आप दिल्ली में रहते हो और मेरे वर्कशॉप पर काम करवाना चाहते हो तो मेरी वर्कशॉप का जो मोबाइल नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर आप मेरे को कॉल भी कर सकते हो। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। तो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय फ्रेंड्स।